पहली बार तुम खड़े थे अभी के साथ पूरे प्रदेश कमलनाथ जी के आदेश पर भारत जोड़ो भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो गांधी है जो कांग्रेस पे गांधी परिवार इस पर जो अत्याचार हो रहा है मोदी जी भाजपा सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसके विरोध में जनता को जागरूक करने हेतु ये पूरा सत्याग्रह का आंदोलन किया जा रहा है। जिस कड़ी में जो 13 अप्रैल 2019 कर्नाटक की कोलार में चुनावी आम सभा में चुनावी भाषण में फिर राहुल गांधी जी के द्वारा जो कहा गया था मोदी नाम के उपनाम के लिए किया गया था नीरव मोदी ललित मोदी और नरेंद्र मोदी जी का नाम का उल्लेख किया गया, उन उपनामों का उल्लेख किया गया था। वो चारों नाम तीनों नाम अलग अलग जाति से आते हैं, सब पिछड़ी जाति से कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उसे पिछड़ी जाति का घोषित किया, जबकि इसमें से नरेंद्र मोदी अलग जाति से आते हैं, ललित मोदी अलग आते हैं, नीरव मोदी अलग आते हैं, फिर भी उसको ओबीसी का दर्जा देते हुए राहुल गांधी जी पर प्रकरण चलाया गया, जिसमें पुण्य मोदी जी के द्वारा भाजपा के विधायक पुण्य मोदी हैं जिन्हें गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई थी 16 तारीख 16/19 को, जिसकी शिकायत उन्हें वापस अपनी शिकायतकर्ता पुण्य मोदी ने भाजपा विधायक ने 7 मार्च 2022 गुजरात हाईकोर्ट से वापस देने की मांग की, जिस पर हाईकोर्ट ने उस पर वापस कर दी गई थी, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, किंतु शिकायतकर्ता उच्चतम में रहने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया गया। 16/2023 शिकायतकर्ता ने अपना अनुरोध वापस लिया, वो इसलिए ले लिया क्योंकि ट्रायल पर राहुल गांधी जी के द्वारा 22 तारीख आकर कोर्ट अपने लोकसभा में अडानी जी और मोदी जी के जो संबंध है उसके विषय में भाषण दिया, तो वापस शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया गया, उससे वो शिकायत वापस ली गई और निचली अदालत में राहुल जी के ऊपर वापस सुनवाई की गई, केस चलाया गया, जिसकी 23 तारीख को ट्रायल कोर्ट में राहुल गांधी जी को दोषी ठहराया गया। दोषी ठहराने में अधिकतम सजा 2 साल की होती है, आज तक के इतिहास में जितनी अधिकतम सजा होती है वो किसी को दी नहीं जाती, तो कभी नहीं जाती। इसमें इनके जो उत्तर प्रदेश से बांदा जिले से इनके सांसद है आर के सिंह पटेल उनको भी इसी तरह के राजनीतिक मामले में दोषी करार दिया गया और उन्हें 1 साल का करार दिया जाता है। पर चूंकि गांधी जी का बात होती है और गांधी जी के भाषण की बात की जाती है, ओबीसी का उसमें उल्लेख किया जाता है और उन्हें बदनाम करने से लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के लिए उन्हें पूरी की पूरी 2 साल की सजा दी जाए, जिससे उनकी लोकसभा सदस्य सचिवालय 24 घंटे के अंदर ही निरस्त कर देता है उन्हें।